दोस्तों हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दौर में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी एक चार्मिंग हीरो रहे हैं। साल 1936 में 14 दिसंबर के दिन बंगाल में जन्मे विश्वजीत चटर्जी दिग्गज अभिनेता राज कपूर के साथ अपना जन्मदिन शेयर करते हैं। महज 10 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता विश्वजीत एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उस जमाने के कई दिग्गजों के साथ काम किया। अपने दौर में विश्वजीत टॉप 5 हीरो में गिने जाते थे। अभिनेता विश्वजीत के पिता आर्मी में थे, इसीलिए उनका बचपन लखनऊ से लेकर मेरठ, कराची आदि जगहों पर बीता और यही वो वजह रही कि बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रही। उस समय उनके घर में फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं थी। विश्वजीत चटर्जी की माँ को अभिनय में बेहद दिलचस्पी थी। जब वो 13 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। वह विश्वजीत के लिए एक कठिन समय था। विश्वजीत चटर्जी के मामा ड्रामा के संस्थापक थे ऋषिकेश बैनर्जी, जिनके साथ कई प्रोफेशनल एक्टर भी काम करते थे। विश्वजीत चटर्जी फिल्मों में आने से पहले थिएटर भी किया करते थे। विश्वजीत चटर्जी ने एक थिएटर ड्रामा के दौरान खूब अच्छे से डायलॉग बोला था, जिसके बाद उन्हें 30 रुपए ड्रामा में काम करने के लिए मिलते थे। फिल्मों में आने से पहले विश्वजीत, जैसा कि हमने बताया, एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। क्योंकि विश्वजीत के घर पर थिएटर करने की अनुमति थी लेकिन फिल्मों में जाने की नहीं, इसीलिए वो थिएटर ड्रामा में काम किया करते थे। उस दौर में जो विश्वजीत के पुरुष दोस्त थे वह महिलाओं का किरदार भी करते थे, क्योंकि महिलाओं को तो फिल्मों में आने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए विश्वजीत ने अपने दोस्तों से प्रभावित होकर छुपकर फिल्मों में काम करना भी शुरू कर लिया और आखिरकार साल 1958 में उन्हें बंगाली फिल्म कांक्षा में ब्रेक मिला, जहां उन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। लेकिन घर में फिल्म की रिलीज होने से पहले ही सबको ये जानकारी हो गई और सब नाराज हो गए। विश्वजीत को फिर अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में उनके पास फिर लगातार कृष्ण वाले ही किरदारों के ऑफर आने लगे, तो विश्वजीत को सब ये कहने लगे कि तुम तो कृष्ण बनकर ही रह जाओगे, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाओगे। रास्ते में भी सब उन्हें केष्टो कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन उन्हें अभिनेता विकास ने समझाया कि उन्हें संभल के अब काम करना चाहिए, वरना सब तुमको गिरा देंगे। तो फिर धीरे धीरे अच्छी फिल्मों का साथ मिला। विश्वजीत को उत्तम कुमार भी बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम करने के लिए विश्वजीत को मौके दिए। फिर अभिनेता गुरुदत्त ने उनको बांग्ला फिल्म साहिब बीबी गुलाम में देखा था और उन्होंने विश्वजीत से कि तुम मेरे भूतनाथ हो, तुमको मुंबई आना होगा, जैसी गुजारिश की। विश्वजीत मुंबई भी गए। गुरुदत्त ने उन्हें अभिनेत्री मीना कुमारी और वहीदा रहमान से मिलवाया, लेकिन वह फिल्म में काम नहीं कर पाए, जिसके लिए गुरुदत्त ने उन्हें बुलाया था। चूंकि वे कतार में बंधे हुए थे कि वह फिर बंगाल वापस चले गए, लेकिन उस दौरान हेमंत कुमार उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि तुम वापस मुंबई जाओ। फिर इसके बाद विश्वजीत चटर्जी साल 1962 में दोबारा मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उनकी फिल्म सस्पेंस थ्रिलर के रूप में 20 साल बाद सुपर डुपर हिट साबित हुई और फिर उन्हें टैग मिला सस्पेंस हीरो फ्रॉम बंगाल का। उन्हें लगातार थ्रिलर फिल्में मिलने लगी और हिंदी फिल्मों में भी धराधर थ्रिलर बनने लगी। लगातार फिर सस्पेंस फिल्में ही ऑफर होने लगी, जिससे उन्होंने अपना फिर से ट्रेंड बदला। चूंकि उन्हें ये डर था कि फिर उन्हें सस्पेंस फिल्मों तक ही सीमित न कर दिया जाए, तो उन्होंने म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्में करनी शुरू की, तो उनका नाम म्यूजिकल रोमांटिक हीरो बन गया। विश्वजीत चटर्जी एक अच्छे सिंगर भी थे, उनकी सिंगिंग की लोग तारीफ करते थे, लेकिन विश्वजीत ने
हिंदी फिल्मों में एक्टिंग के बारे में सोच लिया था कि वह अपने गानों को आवाज नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनके गानों को अगर किशोर दा मोहम्मद रफ़ी आवाज़ देंगे तो अलग बात होगी। और ऐसे में वह सोचते थे कि वह तो हीरो बनने आए हैं, लेकिन फिर भी दो शिकारी फिल्म का टाइटल सॉन्ग उन्हें ही गाना पड़ा था। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार बिश्वजीत चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की और कई बेहतरीन किरदारों को निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज किया। बिश्वजीत चटर्जी ने साल 1964 में आई फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, साल 1965 में आई फिल्म मेरे सनम में रमेश कुमार, साल 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन में जीवन, साल 1968 में आई फिल्म दो कलिया में शेखर और साल 1995 में आई फिल्म किस्मत में विक्की जैसे ऐसे कई किरदार निभाए जो दर्शकों के लिए यादगार बन गए और आज भी उनके निभाए किरदार दर्शकों के जहन में बसते हैं। अभिनेता विश्वजीत चटर्जी 90 के दशक तक दिग्गज अभिनेत्रियों जैसे आशा पारेख, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, मुमताज, राजश्री के साथ काम कर चुके थे। उस दौर में बिश्वजीत चटर्जी इन एक्ट्रेसेस के साथ काफी पसंद किए गए। थिएटर बैकग्राउंड से आने वाले विश्वजीत चटर्जी ने हमेशा अलग अलग तरह के किरदारों और लुक्स के साथ काम करना पसंद किया। उन्होंने कभी भी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया और अपनी स्टार छवि को छोड़कर फिल्मों में डार्क शेड वाले किरदारों को चरित्र करने के लिए काफी साहसी थे। वास्तव में विश्वजीत प्रसिद्ध गीत कजरा मोहब्बत वाला में एक महिला का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेताओं में से एक थे और एक ट्रेंड सेटर भी थे। गाना हिट होने के बाद शमी कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और बाद में गोविंदा और अब वरुण धवन, रणवीर कपूर तक सभी ने इस तरह महिला के किरदार फिल्मों में निभाए। हिंदी फिल्मों में मिली सक्सेस के बाद भी बिश्वजीत चटर्जी ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता जाते रहे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी शामिल है। बिश्वजीत चटर्जी ने कई यादगार बंगाली फिल्में भी की है। उनकी कुछ बंगाली फिल्मों में प्रमुख है पृथ्वीराज, जय बाबा तारकनाथ और अमर गीति। बिश्वजीत ने साल 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन भी किया। कुछ दिनों पहले ये खबर वायरल हुई थी कि अभिनेत्री रेखा को फिल्म अनजाना सफर में विश्वजीत ने एक दृश्य में उनके बिना जानकारी के एडल्ट सीन दिए थे। फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में हुई थी। इस खबर के वायरल होने के बाद विश्वजीत कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि रेखा को इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्होंने निर्देशक के कहने पर ऐसा किया। बाद में जब ये खबर उस दौर की हेडलाइन बनी थी, लेकिन विश्वजीत कहते हैं कि मीडिया में ये जो बात लिखी गई है कि इसके बाद रेखा खूब रोने लगी थी और उन्होंने विश्वजीत के साथ फिर काम करने से इनकार कर दिया था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चूंकि ये सच है कि हम दोनों जानते थे कि वह सिर्फ फिल्म के लिए था, हकीकत में मैं कैसा आदमी हूँ उन्हें पता है और इसके बाद भी हमने लगातार कई फिल्मों में साथ काम किया। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने अपनी एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में बनाई तब भी रेखा ने फिल्म में काम किया था। आज भी रेखा से उनके रिश्ते खास रहे हैं। इसके साथ ही वह आगे यह भी कहते हैं कि रेखा उन्हें प्यार से बिशु बाबू ही कहकर बुलाती है और उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर वह बहुत प्रभावित रहती थी। विश्वजीत कहते हैं कि रेखा खुद एक बेहतरीन अदाकारा है और दिल की बहुत अच्छी है। वैसे विश्वजीत अभिनेता धर्मेंद्र के भी बेहद करीब रहे हैं, दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विश्वजीत एक बार धर्मेंद्र के बारे में बोलते हुए कहते हैं, धर्मेंद्र पहले इतनी शायरी नहीं करते थे लेकिन पार्टी खूब करते थे। अभी हाल ही में मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि
अब तो शराब पीनी छोड़ दी है, तो मेरा बार म्यूजियम बन गया है। मुझे याद है कि हम लोग एक पार्टी में गए थे और हमने इतनी दारू पी कि 3 दिनों तक धर्मेंद्र उठ नहीं पाए और उन 3 दिनों तक वो मेरे ही घर पर पड़े रहे थे। उस वक्त सनी छोटा था, वह जमुनाबाई में पढ़ता था। वह हर दिन आता था ये देखने कि धर्मेंद्र नींद से जागे कि नहीं। मजेदार बात तो यह थी कि उस वक्त जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग धर्मेंद्र कर रहे थे। प्रोडक्शन के लोग उनको उठाने भी आते थे, लेकिन वह उठे नहीं थे। बाद में जब वह उठे तो मुझे बोले कि तू बंगाली, मैं जाट। वैसे बिश्वजीत चटर्जी किशोर दा को बहुत अच्छा मानते थे। किशोर कुमार के बारे में, अपनी बॉन्डिंग के बारे में विश्वजीत कहते हैं कि हम लोग काफी क्लोज थे। वह कहते हैं कि मैंने बंगाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए एक शो किया था, तो लोग कहते थे कि किशोर कुमार इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वह पैसे के बगैर कुछ नहीं करते। रणजी स्टेडियम में मेरा शो होना था। धर्मेंद्र, वहीता रहमान, नरगिस सब आएंगे। सारे सिंगर्स को लेकर गया था मैं, तो मुझसे किशोर दा ने पूछा ये कितना पैसा दोगे। मैंने कहा कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपके जाने से लोगों को फायदा होगा, उन्हें रिलीफ मिलेगी इस फंड से। फिर किशोर कुमार ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे स्टेज के ऊपर पियानो लाना होगा तो मैं आऊंगा। फिर मैंने पार्क होटल वाले से पियानो को रणजी स्टेडियम में पहुंचाने को कहा, क्योंकि किशोर दा ने ये कह दिया था पियानो अगर नहीं होगा तो मैं वहां से ही भाग जाऊंगा। फिर वह आए और गाना भी गाया, शो हिट रहा। मेरी ही एक फिल्म का एक गाना था, पंचम का म्यूजिक था। महमूद में और पंचम खास दो दोस्त रहे हैं। महमूद को म्यूजिक सेंस भी था, तो उसमें एक गाना था बम चिक चिक, किशोर कुमार ने गाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना तो गा लिया है मैंने पहले, लेकिन तुम लिप सिंकिंग नहीं कर पाओगे। मैं उनको पगला बाबू बोलता था, वो मुझे विशु बाबू बोलते थे। मैंने 9 दिनों में लिप सिंक किया। फिर किशोर कुमार को बुलाया और उन्होंने सुना तो वाह क्या बात है, तुमने मिला ही लिया। वैसे विश्वजीत चटर्जी ने आशा पारेख के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। विश्वजीत चटर्जी आशा पारेख के काफी करीबी दोस्त रहे हैं। विश्वजीत चटर्जी ने आशा पारेख के बारे में भी बताया था कि वह सेट पर सबसे अधिक मस्ती करती थी। एक बार उसको दूसरे दिन शूटिंग करने का मन नहीं था, तो उसने सारे क्रू मेंबर्स को जमाल कोटा पिला दिया। आशा ने लेकिन मुझे बता दिया था, तो मैंने नहीं खाया। आशा ने कहा कि कल शूटिंग नहीं हो पाएगी। अभिनेत्री राखी के बारे में भी बात कही थी कि बांग्ला भोजन बनाकर वो सेट पर लाती थी। विश्वजीत कहते हैं कि मुझे सारी ही अभिनेत्रियां काफी पसंद करती थी, वह मेरे साथ सहज थी तो मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती थी। वैसे सिल्वर स्क्रीन के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले विश्वजीत चटर्जी का निजी जीवन काफी उतार चढ़ावों से गुजरा। उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम रत्ना चटर्जी था, जिनसे उन्हें एक पुत्र और पुत्री हुई। उनके बेटे का नाम प्रशेनचंद चटर्जी और बेटी का नाम पल्लवी चटर्जी था। कुछ सालों के बाद जब वो रत्ना चटर्जी से अलग हुए तो उन्होंने दूसरी शादी की, और जब उन्होंने दूसरी शादी की तब उनके बेटे और बेटी की उम्र काफी कम थी। उनके बेटे प्रशेनजीत अपने पिता से मिली अभिनय की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। वे पिछले 1 दशक से बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार की कुर्सी पर मौजूद थे। हालांकि पहली पत्नी रचना चटर्जी से अलगाव के बाद विश्वजीत के बेटे प्रशेनजीत के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उस समय विश्वजीत चटर्जी जिस फिल्म में हाथ डालते थे तो वह फिल्म सिनेमाघरों में सुपरहिट हो जाती थी। उनके फिल्मों के गाने भी सदाबहार बन जाते थे। मगर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपने आप पर इतना यकीन होने लगा था कि वह जिस काम को करेंगे वह काम दर्शकों को पसंद आएगा। उसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग के साथ साथ
प्रोड्यूसर बनने की सलाह भी थी। इसके बाद अपने दोस्त की बात मानकर बिश्वजीत चटर्जी ने अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे अपनी फिल्मों को बनाने में लगाना शुरू कर दिया। जब साल 1975 में कहते हैं मुझको राजा फिल्म का निर्माण और प्रोडक्शन उन्होंने किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा बतौर कलाकार काम कर रहे थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी किया। अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा में उन्होंने एक्टिंग के साथ निर्देशक, गायक और निर्माता का काम किया है, लेकिन एक्टर का ये डिसीजन उनके करियर के लिए गलत साबित हुआ। देखते ही देखते बिश्वजीत चटर्जी का सारा करियर बर्बाद होने लगा, जिसके बाद अभिनेता ने दोबारा एक्टिंग में कदम रखा, लेकिन वो असफल रहे। 80 के दशक में बिश्वजीत ने कुछ बंगाली फिल्मों में काम किया, फिर उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कृष्णा कृष्णा और अल्लाह रखा जैसी फिल्में की, मगर उस वक्त तक उनका करियर खत्म हो चुका था, इसलिए उन फिल्मों में उनके काम को जरा भी नोटिस नहीं किया गया, पता ही नहीं चला। फिर साल 2002 में ईंट का जवाब पत्थर नाम की उनकी आखिरी फिल्म आई। आजकल बिश्वजीत चटर्जी अपनी सिंगिंग टैलेंट के साथ विदेशों में कई टूर करते रहते हैं और मुंबई में अपनी दूसरी पत्नी और बिटिया संभावी के साथ रहते हैं। हाल ही में साल 2021 में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के 51वें संस्करण हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बिश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।